चलो बच्चे लोग, लेट्स लर्न स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर सीखते हैं। हार्ट के बारे में जब भी हम सीखेंगे, ह्यूमन हार्ट इज फोर चेंबर्ड। ऊपर वाले दो चेंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं ऑरिकल, नीचे वाले दोनों को कहते हैं वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट ऑलवेज कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये याद रखना है। उसके बाद ब्लड हमेशा जाएगा ऑरिकल से वेंट्रिकल, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी। राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है ट्राइकस्पिड वॉल्व, वही लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। दोनों ऑरिकल के बीच वाली जो दीवार होती है उसका नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो वही दोनों वेंट्रिकुलर के बीच वाली दीवार को कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सल्काय। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स की ओर, कैरी करता है पल्मोनरी ट्रंक। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, कैरी करता है सिस्टमिक ओर्टा। सिस्टमिक ओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, दोनों की ओपनिंग्स में प्रेजेंट होता है सेमी लूनर वॉल्व। ये था बच्चों लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट।